हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आज बड़े दिल की गहराइयों के साथ आपको खुशामदीद कहता हूँ व्लॉग में। आज है 30 नवंबर, और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मेरे इस रोड ट्रिप के तकरीबन 2 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट जो थोड़ा स्लो होगा, उसमें मूवमेंट कम होगी, उसके बाद यहाँ से अगला पार्ट स्टार्ट होता है। ये पहला मेरा ट्रिप है जिसके बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं बता रहा कि मैंने कहाँ कहाँ जाना है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड रूट ऑफ माई लाइफ। मैंने बचपन से इन जगहों पे जाने का इंतज़ार किया और बड़ी तड़प के साथ किया है। आज फाइनली मुझे मौका मिल रहा है कि मैं उन इलाकों में अपनी मर्ज़ी का एक रूट डिसाइड करते हुए, वो कहते हैं ना, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, तो मैं अपनी वाकई असल मानों में ज़िंदगी जीने चाह रहा हूँ। आज बड़ी कामयाबी है, सुबह के 8 बजे मैं तैयार हो गया हूँ निकलने के लिए। DHS इस्लामाबाद से फ़िलहाल मैं निकल के जा रहा हूँ G11 वाली साइड से, वहाँ पर मैं पिक करूँगा शहज़ाद को। शहज़ाद मेरा हम सफ़र होने वाला है आगे कई दिनों तक, तकरीबन उम्मीद करता हूँ कि 20-25 दिन तो कम से कम वो रहेगा। खैर, एनी हाउ, उसके बाद हम लोग मोटरवे लेंगे और आज हमारी जो डेस्टिनेशन है वो है पेशावर, पेशावर के बाद लंडी कोतल, अफ़गानिस्तान बॉर्डर। तो मैं स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आगे जाता जाऊंगा ना, मैं आपको बताता जाऊंगा कि आज हम कहाँ जा रहे हैं, कल हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मैं लॉन्ग रन में नहीं बता रहा आपको कि आगे हमारी मंजिल क्या है। जैसे जैसे रास्ता अनफोल्ड होता जाएगा आपको भी मज़ा आएगा देखने का, सरप्राइज़ मिलेगा कि हर जगह पे जाके अगली डेस्टिनेशन वहाँ जा के डिस्क्लोज हो। एंड जस्ट वन मोर थिंग बिफोर आई लीव, गाड़ी बाहर से बहुत गंदी है तो मैं सोच रहा हूँ कि सिर्फ इसको ना बाहर से हल्का सा वॉश करा लिया जाए। गाड़ी माशाल्लाह धुल गई है और काफ़ी इसकी शक्ल निकल आई है। हमारी गाड़ी का ये सीन है कि जब ये गंदी हो जाती है ना तो ये एयर ब्लू बन जाती है, और जब धुल जाती है तो एमरेट्स लगती है, इसलिए इसको टाइम टू टाइम धोना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। साथ किसी की बड़ी प्यारी डिफेंडर खड़ी है 90। आई एम जस्ट सो मच इनटू कार्स के कहीं पे भी कोई अच्छी गाड़ी खड़ी हो ना तो मैं उसको देखे बगैर और अप्रिशिएट किए बगैर रह नहीं सकता। तो गाइस, मिलिए मेरे हम सफ़र से शहज़ाद बाजवा, जो कि देखने में और बात करने में बिल्कुल पठान है लेकिन असल में ये पंजाबी हैं। ये मेरे रिश्तेदार भी है, मेरा दोस्त भी है, मेरा साथी भी है और मेरा हम ख्याल भी है, और अब ये इस पूरे टूर पे मेरा हम सफ़र है। हम दो ही लोग हैं और हम दो बंदों की टीम है और हमने इंशाल्लाह बड़ा लंबा सफ़र करना है। रास्ते में एक एक को उठाएंगे। अच्छा, मैंने इन लोगों को ना ये नहीं बताया हुआ कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। हर शहर में पहुँच के ना फिर सरप्राइज है कि अगला शहर कौन सा है, कि हम अगले किस शहर में जा रहे हैं। बिल्कुल। जज्बा कैसा है फिर? चलो अल्लाह के नाम से शुरुआत करते हैं और दुआ करते हैं कि हमारा सफर जो है ना वो अल्लाह ताला कामयाब करे। वो हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह से हम घूमेंगे ना उसी तरह आपको भी पूरी फील दें कि आप भी इसी गाड़ी में साथ बैठे हुए हैं। सफर जारी है पेशावर वाली मोटरवे पे और बड़ा ही मजेदार किस्म का दिन है। बिल्कुल पीसफुल किस्म की ड्राइव चल रही है, आस पास ग्रीनरी और ये वाला लैंडस्केप जो है ना, जब हम लाहौर से मोटरवे पे चलते हैं लैंडस्केप आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता जाता है, फिर हम आते हैं कलर कहार, फिर इस्लामाबाद, फिर वो क्रॉस करते हैं, फिर जब मर्दान क्रॉस करते हैं वो एक डिफरेंट तरह का लैंडस्केप आ जाता है। जैसे हाईवे एकदम ऊपर जाती है फिर हाईवे नीचे आती है, बड़े बड़े स्लोप्स हैं और दूर तक वाइड स्प्रेड होते हैं वो स्लोप्स। अभी 1 बजे का टाइम हुआ है और हम लोग पेशावर पहुंच गए हैं। आज पेशावर में पीपल्स पार्टी का जलसा है, उतरते साथ ही जगह जगह तीर नज़र आने लग गए हैं। खैर, एनी हो, पहले हमारा प्लान था कि हमने पेशावर से जो हमारे यहाँ के एक दोस्त हैं उनको पिक करना है और सीधा चले जाना है लंडी कोतल, और हमने सोचा था कि हम लंडी कोतल पहुँच के वहाँ पर खाना खाते हैं, रास्ते में कोई स्नैक वगैरह हल्का फुल्का कर लेते हैं, लेकिन भूख इतनी ज़्यादा लग गई क्योंकि आज जल्दी निकले थे, नाश्ता जल्दी किया था, अब सोच रहे हैं कि दोपहर का खाना भी पेशावर में खा लें और रात का जो खाना होगा वो लंडी कोतल में खाएं।
तो लंडी कोतल वैसे तो यही था कि जल्दी पहुंचते डे लाइट में, लेकिन अगर कोई बात नहीं हम लेट भी पहुंचेंगे इट्स फाइन, हम लोग रात का स्टे लंडी कोतल में करेंगे। आज भी लंडी कोतल देख लेंगे, कल भी लंडी कोतल देख लेंगे, यानी कि कल का दिन भी जब लंडी कोतल में स्टार्ट करेंगे तो कुछ अगर आज रह जाएगा तो वो कल विजिट हो जाएगा। तो दैट्स द प्लान। अब पेशावर में खाना खाते हैं दोपहर का। हमारे जो होस्ट हैं पेशावर में शाकिरुल्ला भाई, इन्होंने हमें रिसीव किया ऑफिस में, बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने खाना खिलाया दोपहर का। हम बड़े भूख हमें शदीद टिका के लगी हुई थी क्योंकि सुबह नाश्ता जल्दी किया था और फिर सफ़र में टाइम गुजरा। रोश खिलाया, काबली पुलाव खिलाया और घर के भी सालन खिलाया, तो बड़ा अच्छा हमारा लंच का सिस्टम हो गया, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। अच्छा, कितनी देर का रास्ता है लंडी कोतल का? किलोमीटर के हिसाब से नहीं, वैसे मुसाफर टाइम कितना लगेगा? एक से डेढ़ घंटा लग जाएगा। पेशावर से निकल कर लंडी कोतल जाने के लिए हम खैबर एजेंसी में दाखिल हुए। खैबर एजेंसी उन 7 एजेंसीज में से है जो एक्स फाटा का हिस्सा हुआ करती। फाटा यानी कि फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, इन्हें इलाका गैर भी कहा जाता था। क्या में पाकिस्तान के बाद से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल एजेंट और ट्राइबल सिस्टम के थ्रू चलती थी। यहाँ पे पाकिस्तान के बहुत से इदारे और कवानीन लागू नहीं होते, लेकिन हाल ही में कुछ आईनी चेंजेस करने के बाद 2018 में इन तमाम एजेंसीज को फॉर्मली केपीके का हिस्सा बना दिया गया। सो वी जस्ट क्रॉस द बाबे खैबर गेट और बहुत इंतजार किया था इस गेट को मैंने क्रॉस करने का, स्पेसिफिकली इस गेट को देखने का नहीं, इस एरिया में आने का और आगे यहाँ से जाने का और यहाँ से गुजर के जाने की जो फील है, आज फाइनली ये चीज़ एग्जैक्टली हो गई है। पिक्चर्स और वीडियोज़ में थोड़ा काफ़ी बड़ा लगता है, लेकिन रियल में इसकी एग्जिस्टेंस जो है ना, इट लुक्स नाइस बट थोड़ा साइज इसका छोटा है। बाबे खैबर क्रॉस करने के बाद मेरी एक्साइटमेंट आज के दिन के लिए बढ़ती जा रही। लंडी कोतल, खैबर एजेंसी, बल्कि ये पूरी बेल्ट ही वो एरिया जिसे एक्सप्लोर करने के लिए मैंने साला साल इंतजार किया। मुझे यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर, यहाँ की हिस्ट्री और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुस्लिम हिस्ट्री, क्योंकि हमारे मुसलमानों की जितने भी एम्पायर्स हैं, ये एरिया और ये रीजन उन तमाम एम्पायर्स के लिए एक गेटवे था जहाँ से वो सेंट्रल एशिया से और अफगानिस्तान से सब कॉन्टिनेंट की तरफ दाखिल हुआ करते थे। और इस खत्ते की हिस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग है कि सदियों से तो चली आ रही है, लेकिन आज भी इसके सब्जेक्ट्स दुनिया के हॉटेस्ट करंट अफेयर्स होते हैं। और इसके अलावा एज अ ट्रैवलर, जब हम किसी नई जगह पे जाते हैं जिसकी ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस बहुत यूनिक हो, किसी ऐसे पॉइंट पे जाना जहाँ से आगे दुनिया बदल रही हो, वहाँ से नए रूट्स ओपन हो रहे हो, वहाँ जाके फील करना कि यहाँ से नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, वो एक अलग, टोटली अलग फील है। आई एम श्योर कि ट्रैवलर्स ही उस फीलिंग को रिलेट कर पाएंगे, उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। फिर लंडी कोतल जाते हुए रास्ते में आपको काफी मुनफरिद चीजें नजर आएंगी। सबसे पहले तो जो रोड जिस पे आप चल के जा रहे होंगे, ये एक इंटरनेशनल हाईवे और सदियों पुराना ट्रेड रूट है। यहाँ का रेलवे ट्रैक बहुत मुनफरिद है, उसके पुराने यूनिक टनल्स, ब्रिजेस जो कि ब्रिटिश एरा के बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत लुक देते हैं, आज भी काफी हद तक अच्छी हालत में बरकरार है। कुछ साल पहले यहाँ पे पेशावर से लंडी कोतल तक ट्रेन भी चलती थी, जो कि दुनिया की सीनिक तरीन रेलवे जर्नीज में से एक थी। अनफॉर्चुनेटली अब वो नहीं चलती हमारी नाइली की वजह। फिर इसके अलावा यहाँ पे आपको पुराने रेलवे स्टेशन, फोर्ट्स, आसारे कदीमा के आसार और मिलिट्री हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें भी नजर आएंगी। जैसे जैसे हमारे सफर में प्रोग्रेस होती जा रही है ना, हमारी टीम में ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। अब हम लंडी कोतल में पहुंच गए हैं और जो यहाँ पे हमारे होस्ट हैं खनीउल्लाह भाई, इन्होंने हमें वेलकम किया है। उनका माशाल्लाह क्यूट सा बेटा भी हमारे साथ है। तो अब शाम का टाइम है तकरीबन, हम लोग थोड़ा सा लेट हुए, तो आज की हमारी ये एक्टिविटी कि हम लोग ना अब बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। तोरखम बॉर्डर हम आज विजिट कर लेंगे, बल्कि आप बेहतर प्लान बताएं कि आज का हमारा क्या प्लान है और कल क्या करेंगे। आज इधर से हम बाजार के रास्ते से मछली चेक फोर्ट जाएंगे, ठीक है, वो भी एक टूरिस्ट जो है वो प्लेस है, ठीक है, और उसके बाद हम नीचे तोरखम जाएंगे, तो आज हम ये कवर करेंगे इंशाल्लाह। खनीउल्लाह भाई हमें सबसे पहले मचीनी पोस्ट लेके, जो कि बॉर्डर से पहले पाकिस्तान की आखिरी पोस्ट है, इस पोस्ट से बॉर्डर के पूरे एरिया का, यानी कि पाकिस्तानी साइड और अफगानी साइड का बहुत अच्छा एक पैनोरामिक व्यू मिल जाता है। और हमें यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने वेलकम किया, जिन्होंने हमें इस पूरे एरिया के बारे में आधे घंटे की ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर दिलीप खैबर, असिस्टेंट कमिश्नर तहसील लंडी कोतल और एडमिशन की तरफ से आप सब को दरे खैबर के निचली पोस्ट में वालिद मरहम मुशाहदीन किया। सर अगर आप बिल्कुल आखिरी वीडियो के फ्रंट में देखिए और गौर से देखिए, एक मध्यम साइज ऑरेंज कलर का एक स्ट्रेट शेड है लास्ट में, उसके शुरू में लेफ्ट राइट दरख्तों का एक झुंड है। ये सर हमारा मेन तुरखम गेट और पोस्ट है। झुंड से सर उस साइड अफगान तुरखम, इस साइड पाकिस्तान तुरखम।
سربابی خیبر گیٹ کی افتتاح فیلڈ مارشل سدریب صاحب نے 1963 میں کیا تھا. سردرے خیبر تاریخی لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے. پوری دنیا میں لوگ اس کے متعلق جاننے اور دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں. ہر سال ہزاروں لوگ اس عظیم درہ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. اریا قوم سب سے پہلے اس درہ سے 1600 قبل مسیح گزری اور اس کے بعد دنیا کے مختلف اقوام اس درہ سے گزرے, جن میں یونانی, سلجوک, تاتار, ہنس, منگول, مغل, افغانی اور ایرانی شامل ہیں. اس وجہ سے اس درے کو بڑے صغیر پاک وین کے مغربی دروازے کا نام بھی دیا گیا ہے. خیبر عبرانی زبان کا لفظ, جس کی معنی ایک چھوٹا سا قلعہ. یورپ اور عرب کے علاوہ تمام حملہ اور اس درہ کو برے صغیر پر حملہ کرنے کے لیے بطور گیٹ وے استعمال کیا. تاریخ کی جنگ جو لوگ اس درہ سے گزر چکے ہیں, جن کے نام چارٹ میں دیے گئے سر. الیگزینڈر دی گریٹ, سلطان محمد آف حسنوی, سلطان محمد آف خور, چنگیز خان, تیمرلین, ظہیر الدین بابر, نادر شاہ اور احمد شاہ ابدال. لیکن سر اس میں الیگزینڈر دی گریٹ, سکندر اعظم, یہ خود ہے دراصل چترال. چترال سے ہوتی پھر نوا پازیل بجوڑ پہ, لیکن اس کی فوج جو تھی وہ اسی خیبر. سر درے خیبر کے تاریخی مقامات, سر آپ پشاور سے آتے ہو سر آپ بھی دیکھا ہوگا بابی خیبر گیٹ کے ساتھ جمرود فورٹ. سر سر یہ فورٹ ایک سکھ جنرل ہری سنگھ نالوانی نے 1836 میں تعمیر کیا. یہ جنرل کے پلان تھا کہ وہ درے خیبر کی روڈ پر افغانستان پر حملہ کرنا چاہتا, لیکن قبائل اور اس کے لیے اندر ہی اس کو مار ڈالا. اور یہ قلعہ سکھ جنرل نے تقریباً 54 میں سر مکمل کرایا تھا. سر شگئی فورٹ جمروں سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ادھر واقعی انگریزوں نے 1929 میں تعمیر کیا تاکہ درے خیبر کے راستے آنے اور جانے والے قافلوں پر نظر رکھی جا سکے. سر تیمر لین فیزن, سر اگر آپ تھوڑا سے نیچے نظر ڈالیں ٹاپ کی پر جو کنڈر نما ٹیپ کے لائن, اس کے لیفٹ وائٹ کلر ٹی بھی لکھا ہوا ہے سر, نیچے سے پکا راستہ بھی جاتا ہے. یہ ان کی پکچر ہے. یہ سر تیمور لنگ کا جیل خانہ اور بانسی گارڈ تھا. یہ سر جو ہماری طرف جو سلوپ ہے یہ تقریباً 45 ڈگری آئے پر ایسا سلوپ بنا ہوا ہے. اور یہ سر ایک مکمل ایک ٹنل ہے, اور اس ٹنل کے اندر انہوں نے مختلف قسم کی کٹرز اور بلیڈ لگائے تھے. جب وہ کسی بندے کو سزائے موت دے تو بندے کو پہلا ٹائٹ باندھ لیتا اور بعد میں اندر کی طرف اس کا پینک دیتا. تو سر یہ وہ خود بخود رولنگ کی شکل بھی تھا. جب بندہ آخری اینڈ پہ بندہ پہنچ جائے ٹکڑوں کی شکل میں سر باہر نکلتا تھا, یہ کیمی کی شکل میں سر باہر نکلتا تھا. سر یہ روڈ دو طرف بین الاقوامی روڈ پاکستان سے لے کر افغانستان تک, افغانستان سے آگے وسط ایشیا کے ملک ازبکستان, تاجکستان اور ترکمنستان تک. یہ مغل دوری حکومت میں انجینئر قاسم خان نے 1581 بنوایا تھا, اور بعد میں کرنل نکسن نے اس روڈ کے اوپر دوبارہ کام کیا تھا. لیکن جی ٹی روڈ مشہور ہے شیر شاہ سوری کے نام سے. آئی تھنک دس از دا پرفیکٹ پوائنٹ جہاں سے پاکستان سے بیٹھ کے آپ کو دونوں ملکوں کو بارڈر کا شاید نیچے سے بھی اتنا اچھا ویو نہ آتا ہو جتنا یہاں سے ایگل آئی ویو آ رہا ہے. اور بالکل ایک دم سے یو نو ٹیرس کی طرح وہ ساری ویلی ٹائپ اوپن نظر آتی ہے. اب یہاں سے نکلنے کے بعد وقت اور کم رہ گیا تھا, اور ہم لوگ بھی جلدی جلدی میں روڈ سے نیچے اترتے ہوئے تورخم کی طرف بھاگتے ہوئے جا رہے تھے. اس وقت تورخم کے اوپر ایکسپینشن کا اور کنسٹرکشن کا کام بہت تیزی سے چل رہا تھا, جس کی وجہ سے چیزیں وہاں پہ کافی میسڈ اپ تھیں. یہ جناب وہ جگہ جسے ہم تورخم کہتے ہیں, اور ہمیں یہاں پہ پہنچتے ہوئے مغرب کا ٹائم ہو گیا. اس پوائنٹ سے پیچھے تقریباً 150-200 میٹر کے بعد افغانستان کی حدود سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ جگہ ابھی بڑی بکھری ہوئی حالت میں ہے, کیونکہ ایک تو یہاں پہ ایکسپینشن کا کام چل رہا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی وہ اس طرح سے ٹوریزم کے حوالے سے جس طرح واگا بارڈر پہ یا دوسری جگہوں پہ ہوتا ہے نا کہ آپ آئیں اور آپ گیٹ دیکھ سکتے ہیں, اٹس ناٹ لائک دیٹ. یہاں پہ پھر کچھ جگہوں پہ بازار ہے, دکانیں ہیں, کہیں پہ ٹیکسی اسٹینڈ ہے, کہیں پہ نادرا کا آفس ہے, کہیں پہ امیگریشن کا آفس ہے, کہیں پہ یہ ٹرکس کھڑے ہیں. اس طرح سے اس کا سین ہے. سامنے جو درخت نہیں ہے یہ, جی جی سامنے درخت, یہ افغانستان ہے. اچھا اچھا, یہ جو فرسٹ ٹری ہے میں, ہاں فرسٹ ٹری ہے یہ. یہ تو تقریباً بس 100 میٹر ہے, 100 میٹر زیادہ نہیں ہوگا. تو ہمارے ہوسٹ کیونکہ یہاں کے لوکل تھے اور ان کا بارڈر پہ آفس بھی تھا, تو انہوں نے وقت ضائع کیے بغیر ہمیں ڈائریکٹلی اس پوائنٹ پہ لے گئے جہاں سے بیسٹ پاسبل ویو آ سکتا تھا گیٹ کا, نیئرسٹ ایک بلڈنگ کی روف ٹاپ. اور وہاں سے سارا ویو اتنا بہتر آ گیا کہ اگر ہم گیٹ کے آگے بھی کھڑے ہوتے تو اتنا اچھا ویو وہاں سے نہ آ پاتا. اینڈ دس از دا میکسیمم پوائنٹ جہاں سے کوئی اس کے قریب ہو سکتا. یہ جو میرے پیچھے گیٹ ہے یہی پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کا گیٹ ہے. یہیں سے ساری ٹریڈ ہوتی ہے, ٹرانزٹ ہوتا ہے, لوگ آتے جاتے ہیں. فی الحال یہ بارڈر انتہائی سینسٹیو اور ہائیلی سیکیور اور بہت ہی سینسٹیو ہوا ہوا ہے, اور یہاں پہ ریکارڈ کرنا بھی الاؤ نہیں ہے. خیر ہم نے جتنا سا کر لیا ان آفیشلی, دیٹ از دا میکسیمم وی کین شو یو. واٹ این انکریڈیبل فیل ٹو اسٹینڈ ہیئر, اور یہاں سے بالکل اتنے کم ڈسٹینس کے اوپر افغانستان, اٹ ایکچولی فیلز لائک ایک بڑی اسپیشل جگہ ہے کہ جہاں پہ دونوں کنٹریز کے اتنا ہسٹوریکل بارڈر بھی ہے, پیسج بھی, اور یہاں سے ہم ایک انٹرنیشنلی اتنا امپورٹنٹ ٹریڈ روٹ بھی ہے.
काम जो है इमिग्रेशन का ऑफिस है और वहाँ से ये एफ आई ए या एजेंसी जो इमिग्रेशन क्लियरेंस करती हैं और लोग जो पैदल बॉर्डर क्रॉस करते हैं वो ये पूरा एक पैसेज है इधर से आते और जाते हैं क्रॉस करके यहाँ से और पीछे एंटर हो जाते हैं अफगानिस्तान में वापस पाकिस्तान। अगली दफा बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान मैंने शहजाद को ये बता दिया आज कि ये हमारा आखिरी टूर था अफगानिस्तान बॉर्डर का सूखे सूखे। अगली दफ़ा जब हमने बॉर्डर क्रॉस करके आगे जाना है आगे आगे ट्रेवल करके आना है और फिर आपको अफगानिस्तान की सैर करानी है। ये लंडी बोतल का पानी है और ये लंडी बोतल की चाय है। इधर का जो पानी है वो बहुत स्पेशल है इसकी मैंने पहले भी तारीफ सुनी थी तो आज जो हमारे होस्ट हैं उन्होंने भी डिस्क्राइब किया है कि इस पानी से जो चीज़ें बनती हैं जैसे कावा बनता है और वैसे भी पीने में इसका टेस्ट जो है वो बड़ा मुनफरद है। हम जब यहाँ पे पानी पीते हैं ना तो इधर से जिधर भी हम जाते हैं तो वो पानी हमें सूट नहीं करता तो यहाँ का पानी इस तरह जिस तरह से आप लोग गए इसकी तारीफ ही करते हैं तो हमें तो इसमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आता लेकिन जब वो इधर से कहीं और जाते हैं तो फिर हम इसकी बड़ी ज़्यादा बिल्कुल यहाँ के लोग इतने मेहमान नवाज हैं हमारे होस्ट। बाज़ार एक दो चीज़ें लेने के लिए रुके हैं हालांकि खाना अभी आगे जाके खाना है और वो एपेटाइज़र के लिए जल्दी जल्दी कबाब पकड़ाए कि जितनी देर खड़े हो उतनी देर कबाब खाओ कुछ ना कुछ खाते रहो हर वक्त। इसके बाद हम कनीउल्लाह भाई के हुजरे पे पहुंचे जहां हमारा रहने का इंतजाम था। उनके वालिद साहब और भाइयों से मिलके बहुत अच्छा लगा। इट वाज सो नाइस ऑफ देम कि उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हमारी मेहमान नवाजी की हमें कंपनी दी और हमारे लिए इतने पुरतकल्लुफ इंतजाम किए। मैं उनकी कंपनी बहुत इंजॉय कर रहा था एंड आई लव्ड दिस फीलिंग कि मैं लंडी कोतल में हूं और यहाँ की स्टोरीज को डिग आउट करना मैंने स्टार्ट कर दिया था। इनफैक्ट कि मैंने उनसे इतने ज्यादा सवाल पूछे कि मैं परेशान हो गया कि कहीं वो लोग एनॉय ना हो जाए लेकिन उनकी मेहमान नवाजी को सलाम है उन्होंने हमें बेहद कंपनी से नवाजा। पश्तों में पटे तिके बोलते हैं पटे तिके ये जो चर्बी होती है ना दुम्बी की उसके अंदर कलेजी रख के बनाते हैं और मैंने जिंदगी में कभी कलेजी नहीं खाई मैं पहली दफा ये ट्राई करने लगा हूं। कलेजी कभी नहीं खाई पहली दफा जिंदगी में खाई अगर पता ना हो ना मुझे वैसे मैं ये खा लूं मुझे पता भी नहीं चला कि कलेजी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह लंडी कोतल का नेक्स्ट डे आप अगले व्लॉग में देखेंगे।